हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आपके वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रेस टेस्ट, तो पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है। अब पहले जान लेते हैं कि कोई भी बैंक कैसे परफॉर्म करता है। आपके मेरे जैसे लोग बैंक में पैसा डालते हैं, जो हमारी सैलरी या बिजनेस का इनकम होता है। आपके मेरे पैसे को बैंक लोन के तरीके बड़े, मिडिल या स्मॉल बिजनेसेस को लेंड करती है और उनको इंटरेस्ट चार्ज करती है। होम लोन्स प्रोवाइड करती है, कार लोन्स प्रोवाइड करती है और अलग अलग वैरायटीज़ के लोन प्रोवाइड करती है। और इसके बदले में बैंक्स आपको और मुझे एक सर्टेन परसेंटेज का इंटरेस्ट देती है, जो आपके अकाउंट के तरीके पे डिपेंड करता है। सेविंग अकाउंट का अलग, FD का अलग, करंट अकाउंट का अलग। अब ये पैसा जो बैंक बिजनेस को उधार में देती है और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, अगर ये बिजनेसेस बंद हो जाएं तो बैंक कैसे उधार दिया हुआ पैसा वापस देगी। इन सब केसेस के लिए बैंक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ आइटम्स रखती है अपने पास, जैसे कि एसेट हुआ या फिर मॉर्गेज एक्सेट्रा। अब आपने विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम तो सुना ही होगा। नीरव मोदी ने PNB से लगभग 8,000 करोड़ का लोन लिया था, जो वो उसे रिपे नहीं कर पाया था और जिससे बैंक को बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इन सब केसेस में क्या हुआ, बैंक ने जो लोन दिया था वो रिकवर नहीं कर पाई, बिजनेस बंद हो गए और एसेट बेच के भी पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाया गया। इन सब केसेस में आपको एक टर्म सुनाई देगा, बेल आउट बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब कि सरकार इनको फाइनेंशियली हेल्प करेगी पैसा दे के। अब बात ये आती है कि जब ये बैंक्स लोन का पैसा रिकवर नहीं कर पाती, या तो कोई कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करता है लगातार कुछ महीने तक, तो फिर इन सारे एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, या फिर NPA। मतलब ऐसा एसेट जिससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं और बिना काम किए सैलरी ले रहे हैं, तो आप आपके ऑफिस के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो। अब आपको आगे समझाएंगे कि कैसे स्ट्रेस टेस्ट के जरिए 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से हर बड़े देश के गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उनके बैंक्स का हेल्थ बराबर रहे और उनको कभी बड़ा बेलआउट या बैंक फेलियर का सामना करना ना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू फ्री में खुलवाना चाहते हो, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट से क्या होता है। 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस आप सबको याद होगा, जहां दुनिया भर के बड़े बैंक्स फेल हो गए थे क्योंकि उनका लिक्विडिटी फ्लो बिल्कुल जीरो हो गया था। तो उस इंसिडेंट के बाद से दुनिया के बड़े गवर्नमेंट्स ने स्ट्रेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसमें हर बैंक के NPA रेशियो और उसके टोटल परफॉर्मिंग एसेट का टेस्ट किया जाता है साल में एक बार। मतलब कि जो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और जो परफॉर्मिंग एसेट है, उसका एक आकलन किया जाता है, वो भी साल में एक बार। इंडिया में ये स्ट्रेस टेस्ट इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करती है। इस साल ये स्ट्रेस टेस्ट ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रही है, पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, लोगों को सैलरी नहीं आ रही है और बिजनेस बंद हो रहे हैं एक एक करके। इस हालात में सवाल ये बिल्कुल आता है कि बैंक्स ने जो लोन दे रखे हैं, अगर बिजनेस बंद हो गए तो उनका लोन कौन चुकाएगा, और लोन नहीं रिटर्न हुआ तो क्या आपका सेविंग्स था जो आपने बैंक में रखा हुआ था, क्या वो डूब जाएगा। तो स्ट्रेस टेस्ट जो इस साल हुआ, उसके क्या नतीजे हुए, कौन से ऐसे बैंक्स थे जिसका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, वो जानते हैं। 2020 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक RBI के हिसाब से इंडिया के बैंक्स के टोटल NPA 620 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 14.7% हो जाएगा। RBI ने मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस टेस्ट किया इंडिया के बैंक्स पर, और उनका प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया के बैंक्स का टोटल NPA परसेंट, जो फिलहाल 8.5% है, जो मार्च 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, अगर माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा ही रहा तो ये नंबर बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ख़राब हुआ तो ये नंबर 14.7% भी होने के चांसेस हैं। और हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के CEO
उदय कोटक ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ही बनी रही तो 4-5 मेजर लोन्स बैड लोन्स बन सकते हैं, मतलब वो NPA के दायरे में आ सकते हैं। ये फिगर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए थोड़ा ज़्यादा बुरा है। तो अगर आपका अकाउंट अलाहाबाद बैंक, जो अभी हाल ही में मर्ज हुआ है इंडियन बैंक से, जो इस मर्जर का जो फ़ायदा हुआ है वो अराउंड 8.08 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है इन दोनों बैंक का मर्जर होके, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में है, तो आपको टेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि RBI के हिसाब से इन बैंक्स के टोटल NPA का अमाउंट 11.3% से बढ़कर 15.2% हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर 2021 मार्च तक। प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इनके लिए ये सिचुएशन उतना बुरा नहीं है। इन बैंक्स का ग्रॉस NPA 4.3% से बढ़कर लगभग 7% होने के चांसेस हैं आने वाले मार्च 2021। हालांकि कई बैंक्स ने इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पहले से ही मार्केट से पैसा उधार लेके रखा है। RBI के रिपोर्ट के अनुसार इन बैंक्स के ओवरऑल कैपिटल या लिक्विडिटी में भी अच्छा खासा गिरावट आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये बैंक मर्जर का डिसीजन लेते हैं या फिर कोई अलग सोर्स से रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो फिर शायद इनके लिए सिचुएशन बेहतर हो सकती है। लेकिन RBI ने ये देखा है कि NPA का अमाउंट छोटे बैंक्स के लिए भी काफी बढ़ गया है। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल पूरी बैंकिंग सिस्टम ही बुरे दौर से गुजर रही है। तो आइए थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इन सभी बैंक्स का और ओवरऑल निफ्टी बैंक का। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। जो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हो, जो 23,200 के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन है, वो ये रेजिस्टेंस 2017 मई का है, जो निफ्टी बैंक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और वही सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था जून 2017 में। तो अगर निफ्टी बैंक को ऊपर मूव देना है तो इस जोन को उसको विथ हाई वॉल्यूम तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी आपको नीचे को देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 20,900 से 21,150 तक का है। अब यहाँ पे बात कर देते हैं दूसरे बैंक की। जो दूसरा बैंक RBI के स्ट्रेस टेस्ट में नाकाम हुआ वो था SBI, और SBI की भी हालत अगर आप देखो तो खस्ता ही है टेक्निकल चार्ट्स पे भी, क्योंकि उसने 4 बार ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ने की कोशिश की है, जो अराउंड 200 का और 202 का रेजिस्टेंस जोन है, और वो उसको तोड़ नहीं पाई है। और जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी इसको अच्छा खासा मिल चुका है, और नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम SBI को निफ्टी बैंक के चार्ट से कोरिलेट करें तो आप देख सकते हो कि दोनों चार्ट सेम ही हैं, तो टेक्निकल पिक्चर SBI की उतनी बुरी नहीं लग रही मुझे। यहाँ पे जो दूसरे बैंक की बात हुई थी वो थी सेंट्रल बैंक। यहाँ पे मैं सेंट्रल बैंक को निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स से कंपेयर करूंगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो PSU बैंक का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे जनवरी दिसंबर में जो हमारा निफ्टी बैंक था वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, जो हमारा PSU बैंक का इंडेक्स था वो अपने अक्टूबर 2018 के लो पे के पास ट्रेड कर रहा था। तो टेक्निकल पिक्चर भी उतनी मजबूत नहीं है PSU बैंक की, जैसा कि हमें फंडामेंटल से पता चला, सेम हमें टेक्निकल पिक्चर से भी पता चलता है। जो हमारा नेक्स्ट बैंक जो स्ट्रेस टेस्ट में आया था वो था अलाहाबाद बैंक, जो अभी मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम पिक्चर है, वो अभी 2013 के लो के पास ट्रेड कर रहा है, और अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में वो 2013 का जो लो था वो भी तोड़ चुका था, और अपने निचले स्तर पे जो मार्च में बना था वहां से अभी ये एक अपमूव दे रहा है और अभी कंसोलिडेशन में है। तो टेक्निकल पिक्चर्स मैं फिर से बोलूंगा PSU बैंक की उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे कि उसका जो अभी रिजल्ट हाल ही में आया और उसका रिजल्ट खासा अच्छा नहीं हुआ, जो अराउंड 1100 करोड़ का नेट फॉल था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में एक्सिस बैंक का, वो उनके टेक्निकल चार्ट्स पे भी डिपिक्ट कर रहा है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक वी शेप की रिकवरी देखने को आपको मिल रही है, जो बहुत ही बेहतरीन है। सेम चीज़ ICICI बैंक
ICICI बैंक भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो अराउंड 391 से 380 के बीच में है। और निफ्टी बैंक का तो एनालिसिस मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आप चारों चार्ट को कोरिलेट करें तो आपको कोरिलेशन देखने को बहुत अच्छा मिल सकता है। और HDFC बैंक एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे उभर के आया है निफ्टी बैंक इंडाइसेस के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।